गाइस, इट्स सोनल हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये लुक, एंड दिस लुक इज ऑल अबाउट पीच मेकअप लुक और पीच मेकअप ट्यूटोरियल, आप देख सकते हैं। और आज मैंने अपने बालों में भी कुछ डिफरेंट ही लुक दिया है, यू गाइस कैन सी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इन टू द वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस को प्राइम। मैंने ऑलरेडी मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है, तो मैंने ये मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। ये है गार्नियर का रिंकल लिफ मॉइस्चराइजर। और मैं मॉइस्चराइजर पहले इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि मैं अपने फेस पे थोड़ा 10 मिनट उसे ऐसे ही छोड़ती हूँ ताकि कम्प्लीटली जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए मेरे फेस पे। फेस को प्राइम कर लेते हैं। तो एज यूजुअल मैं प्राइमर के लिए अगेन यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट मेकअप प्राइमर। प्राइमर हो गया हमारा डन। तो अब हम करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैं आज यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। और इसमें जो मैंने सेट लिया है ये है ब्रॉन्ज बेस। तो इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर के हेल्प से, ब्रश के हेल्प से, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसे ब्लेंड कर लें। ये ब्लेंड हो गया है काफी अच्छे से। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं कंसील अपने फेस को, जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं या फिर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का है फोटो फोकस कंसीलर और कंसीलर प्लस करेक्टर। और इसमें मेरा शेड है लाइट मीडियम बेस। इसे भी ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। ये भी हमारा ब्लेंड हो गया अच्छे से। आज करेंगे अपने बेस को सेट। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। और इसमें मेरा शेड है 230 नेचुरल पफ। इससे हम अच्छे से अपने बेस को सेट करेंगे। आप चाहें तो लूज पाउडर भी यूज कर सकते हैं। बेस जो है बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका। आईब्रो को करेंगे। तो आईब्रो को करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्रो किट। यूज कर रही हूँ ये ब्राउन सा शेड। हल्का हल्का अपने गैप्स को फिल इन कर लेंगे। सो आवर आईब्रो इज ऑल्सो डन। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे अपना आई मेकअप, जो कि हमारे इस मेकअप लुक का मेन फोकस पॉइंट वही है। क्योंकि आज हम लुक क्रिएट कर रहे हैं पीच मेकअप लुक, तो हम यूज करेंगे आज थोड़ा सा मेसी हो गया, डोंट माइंड। मैं यूज कर रही हूँ ये जैकलिन हिल ड्यूप पैलेट। सो आप कोई सा भी पैलेट यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। कर रही हूँ ये लाइट येलो सा, या फिर आप बोल सकते हैं लाइट ब्राउन कलर, ये सन टैन ये वाला कलर। लुक जो है बहुत ही सिंपल होने वाला है। चलिए देखते हैं। दूसरे आई में भी
मैंने क्या किया है कि ये कलर जो लिया है उसे ऑल ओवर द आई पे प्लेस किया है एक्सेप्ट आई लीड को छोड़ के। करेंगे कि ये आप जो पीच कलर देख रहे हो इसे मैं अपने सेंटर ऑफ की मैंने जिसे क्रीज पे प्लेस किया था उसी कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पे भी प्लेस करूंगी। तो ये हो गया और हमारा जो भी फॉल आउट हुआ है उसे हम क्लीन कर लेंगे। अच्छे से अब हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं ये लाइनर, ये है मेबलिन का लाइनर। लाइनर इज ऑल्सो डन। अब हम अपने इनर कॉर्नर पे काजल लगा लेंगे। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये मेबलिन का कोलोशन काजल। हो गया, अब हम अगेन फेस पे चलेंगे तो हम करेंगे कॉन्टोरिंग। तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ विट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट। थोड़ा सा फोरहेड को भी ऑल्सो डन। नेक्स्ट वी विल डू ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट और इसमें मेरा नंबर है 01। अकॉर्डिंग हम पीच ब्लश भी यूज करेंगे। तो मैं यूज कर रही हूँ ये वाला ब्लश। के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाइलाइटिंग तो हाइलाइटिंग के लिए मैं ले रही हूँ ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर और इसमें मेरा शेड है रोज गोल्ड, माल्टेन रोज गोल्ड। करने वाले हैं तो मैंने हाइलाइटर भी पिंकिश अंडरटोन का ही लिया है। ऑल्सो डन। तो अब हम अपना लास्ट स्टेप करेंगे जो कि होगा लिपस्टिक का। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ शुगर का लिपस्टिक और ये है शुगर का नथिंग एल्स मैटर लॉन्ग वेयर लिपस्टिक और मैंने जो शेड लिया है 13 रोज जॉब। तो मैं सबका लिंक जो है, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स को यूज किए हैं सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा न्यूड
कलर है, आप बोल सकते हो पिंकिश न्यूड कलर है। मैं आपको लगाकर दिखाती हूँ। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता आया है, अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हो स्टार्टिंग से, तो मैं कुछ ना कुछ तो हमेशा ही भूल जाती हूँ। तो मैं आज मस्कारा भूल गई और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करना भूल गई। तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर लेस सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा, मस्कारा नहीं होने वाला। अब मैं जल्दी से इनर कॉर्नर को हाईलाइट करती हूँ, जैसे कि मैं भूल गई थी हाईलाइट करना। तो मैं यूज कर रही हूँ जो मेबलिन का मैंने यूज किया था। पूरा मेकअप हो गया और दिस इज द फाइनल गाइस, आप देख सकते हो। मेरी ये लुक पसंद आई हो तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मुस्कान हैप्पीनेस को, और साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरी वीडियोस के लिए आप नोटिफाइड रहेंगे और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगी। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।